हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आर्टिकुलेटर बाय आदेश पाटिल। आज का टॉपिक है हमारा कि कंप्लीट नीट बायोलॉजी गाइड। मतलब इसमें हम कवर करेंगे कि 11th 12th की एनसीईआरटी को कैसा कवर करें, कैसा उसका पूरा पढ़ाई करें और हाउ टू रीड एनसीईआरटी। हम उस पर भी फोकस करेंगे कि पॉइंट्स कैसे हाईलाइट करने हैं, एनसीईआरटी को एकदम इफिशेंटली कैसे पढ़ना है। वैसे तो एनसीईआरटी दो या तीन बार में पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एटलीस्ट आपको उसको टू डिजिट्स में पढ़ना है, मतलब कम से कम 10+ टाइम्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो पहले आपके जीवन में ये आएगी, उसके बाद में आपके जीवन में ये आएगी, और फिर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये और ये दोनों को करके आपको बायोलॉजी ये पूरा पढ़ना पड़ने वाला है। तो इसको पूरा पढ़ के फिर इसको पूरी तरह से इफिशियंटली अंडरस्टैंड और माइंड में रख के आपको एग्जाम में बायोलॉजी फेस करना है, और 360 में से आपको कम से कम एक अच्छा स्कोर लाने के लिए 330 क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि हाउ टू एस बायोलॉजी इन नीट। जनरल में थोड़ी बात करते हैं कि मतलब बच्चों को क्या, मतलब सबसे पहले तो बच्चे 11th में कोचिंग लगाते हैं, फिर कोचिंग के बाद वो धीरे धीरे बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो सबसे पहले तो कोचिंग के मॉड्यूल्स पे फोकस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये समझने में वक्त जाता है कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्लास के नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, कोचिंग के मॉड्यूल्स भी पढ़ रहा हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो क्या होता है, अभी कोचिंग में जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर मॉड्यूल में जो डेटा है वो तो सारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो अल्टर्ड सोर्सेस पढ़ने के वजह आप मेन सोर्स पे आओ। सबसे पहले मेन सोर्स को पढ़ना शुरू करो। अब एनसीईआरटी का ऐसा है कि आप अगर उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर पढ़ते जाओगे ना, तो हर बार आपका हाइलाइटर किसी नए लाइन पर जाएगा और कोई एक नई लाइन को अंडरलाइन करेगा। क्योंकि एवरी टाइम यू विल रीड एनसीईआरटी यू विल गेट मोर न्यू लाइन्स, यू विल फीड मोर डेटा इन टू योर माइंड। तो वो बात है। अब मेरे केस में बोलूँ तो मैंने कम से कम 11वीं की एनसीईआरटी पूरी लगभग 15 बार पढ़ी होगी। तो रिपीटेटिव टाइम्स आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी में फाइन होते जाओगे या किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में फाइन होते जाओगे। अब अपन बुक के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसा हाईलाइट करना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़नी है, डायग्राम्स को कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, डायग्राम्स की लेबलिंग याद रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी में प्रेजेंट फैक्ट्स हो गए, कोई कंसेप्ट्स हो गए, फिजियोलॉजिकल डेटा हो गया, प्लांट्स की एनाटॉमी हो गई, कोई भी चीज़ हो, ये सारा भी याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी डेटा से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसा ये पेज हो गया तो यहाँ पे लिखा है टोडस्टूल्स आर अल्सो फंगाई, तो ये क्या हो गया, फैक्ट हो गया। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया टोडस्टूल्स आर, मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या और एक ऑप्शन कोई, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आप सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करोगे फिर आपको आंसर मिलेगा कि टोडस्टूल्स आर फंगाई। उसके बाद में रिपीटेटिवली टाइम्स आपको, मतलब आप ऐसा एश्योरेंस नहीं दे सकते कि अगली बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और आपको ये सेंटेंस मिल गया। फिर आपको आपके कोचिंग में बताया जाएगा कि ये एनसीईआरटी पेज नंबर यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन डाला गया था, फिर आप देखोगे अरे हाँ टोडस्टूल्स आर आल्सो फंगाई, यहाँ तो लिखा है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं होगा। तो वो चीज़ होती है कि आपने वो पढ़ा हुआ होता है पर आपको ध्यान में ही नहीं रहता है। तो वो जब रिपीटेटिव टाइम्स आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे करके हर एक लाइन आपकी ब्रेन में फीड होती जाएगी। अब जो टर्म्स होती है उनको अलग कलर का हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए, और उन टर्म्स की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा अलग कलर का हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। मतलब आप जब भी देखोगे तो वो पूरी एक डेफिनेशन आएगी और लास्ट में उस डेफिनेशन को क्या कहते हैं वो टर्म आएगी। तो वो आप ही को जब आप सब्सिक्वेंटली टाइम्स उसको बार बार रीड करोगे ना, तो आप जितनी भी बार अगली बार उस पे
आओगे तो वही आपको फिर से क्लिक करेगा, अरे हाँ ये मैंने पढ़ा है। तो आप जब 10+ टाइम एनसीईआरटी क्रॉस कर चुके होगे, तब आपकी ये एनसीईआरटी इतनी ब्रेन में फिट हो चुकी होगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सीधे बिना ऑप्शन देखे भी आपको आ जाएंगे। सो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हाइलाइटिंग करने से क्या होता है, एक आपको वो पेज खोलते ही पहली नज़र में उस कंसेप्ट पे आपका ध्यान जाएगा। अब वीडियो को वाइंड अप करके अगर कॉन्क्लूजन में बोलूँ तो आपको 3 या 4 कलर के हाइलाइटर्स यूज करने हैं। लाइट कलर के हाइलाइटर्स आप मतलब ऐसा मान के चलो कि जो लाइट कलर्स के हैं वो पॉइंट्स थोड़े हल्के पॉइंट्स हैं, और जो डार्क कलर के हाइलाइटर्स आप यूज करोगे वो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फिर हॉट्स पॉइंट्स है, और डिफिनेशंस के लिए अलग यूज करो। जो पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रहता है उसके लिए मान लो कोई रेड कलर का हाइलाइटर यूज करो, वहाँ पे कोई डेंजर का सिंबल क्रिएट करो, इम्पोर्टेंट का सिंबल क्रिएट करो। तो वो सोलली आप पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू फील द कंसेप्ट इज। सो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे लगे कि मुझे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है, या फिर एनसीईआरटी में भी बहुत सारी जगह होती है साइड में, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। डायग्राम्स के लिए भी एक सजेशन है मेरा कि डायग्राम्स को भी आपने हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग की टेस्ट मान लो या फिर नीट का पेपर मान लो, अब 2021 के पेपर में तो डायग्राम्स से क्वेश्चन ही नहीं थे, लेकिन मतलब कर लेनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्योंकि डायग्राम बेस्ड थिंकिंग भी एक चीज़ है, अगर आप डायग्राम दिमाग में रखकर और फिर उस कंसेप्ट के बारे में सोचते हो तो आपको वो ज़्यादा इफिशियंटली वो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहती है, क्योंकि डायग्राम आपके माइंड में बार बार वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, फिर उसके हिसाब से आपको वो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है। और एक कंक्लूजन, 300+ अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों एनसीईआरटी 11th वाली भी और 12th वाली भी, पूरी एनसीईआरटी कम से कम 10+ टाइम्स आप पढ़ो, आपको अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि मुझे ये चीज़ पता है मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। और बार बार प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी को पढ़ना कभी रोकना नहीं है, लास्ट तक भी आप पढ़ते रहोगे तो भी चलेगा। अब एनसीईआरटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब फिर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अगर आप 330 मार्क्स से आगे जाना चाहते हो तो तब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है। तो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ करनी है आपको, और किसी बहुत ज़्यादा कंटेंट देने वाली बुक के झंझट में ना पढ़ना है आपको, और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि MCQs भी आपको लगाने चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बुक्स बताऊंगा। और एक छोटी बुक कैसी बनानी है जिसमें आप कोई नए फैक्ट्स लिख सको, या कोई चीज़ जो आपके ध्यान में ना रहे वो आप उसमें लिख सको, इसके लिए भी आपको एक नहीं है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक।